नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। देश सहित प्रदेश में यानी कि बिहार में भी कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने प्रदेश की ओर लौटने लगे हैं। कोरोना महामारी का कहर एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को देखते हुए एक बार फिर से वहां रह रहे बिहार के लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुंबई और पुणे से स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने मुंबई से पटना और दरभंगा के साथ पुणे से दानापुर के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। हालांकि इन स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ यात्री सफर कर सकेंगे जिनके पास रिजर्व सीट होगी। आइए एक नजर डाल लेते हैं उन ट्रेनों के टाइम टेबल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 01401 सुपर फास्ट विशेष ट्रेन पुणे से 9, 11, 16 और 18 अप्रैल को शाम के 4:15 पर खुलेगी। यह ट्रेन अगले दिन रात को 11:45 पर दानापुर पहुंचेगी। वहीं अगर हम अगली ट्रेन की बात करें तो 01402 विशेष ट्रेन जो कि दानापुर से खुलेगी, यह इसकी जो तारीख है वो है 11, 13, 18 और 20 अप्रैल को सुबह 4 बजे यह खुलेगी और यह ट्रेन जो है अगले दिन 12:05 पर पुणे पहुंचेगी। वहीं अगर हम अगली ट्रेन की बात करें तो यह है 01092 विशेष ट्रेन जो कि पटना से खुलेगी और यह इसकी जो तारीख है वो है 13, 16, 20 अप्रैल की शाम को 4:20 पर यह वहां से खुलेगी। वहीं इस ट्रेन को अगले दिन रात को 11:30 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में पहुँचेगी। वहीं अगर हम अगली ट्रेन की बात करें तो वह है 01097 सुपरफास्ट विशेष लोकमान टर्मिनल मुंबई से जो है यह ट्रेन खुलेगी और इसकी जो तारीख है वह 12 और 19 अप्रैल को यह ट्रेन सुबह के 8 बजे खुलेगी और यह अगले दिन शाम को 4:10 पर दरभंगा पहुंचेगी। वहीं अगर हम अगली और ट्रेन की बात करें तो वह है 01098 सुपरफास्ट विशेष ट्रेन जो कि दरभंगा से 13 तारीख को और 20 अप्रैल को 7:20 पर सुबह खुलेगी। यह ट्रेन जो है अगले दिन सुबह 5:10 पर लोकमान तिलक टर्मिनल मुंबई पहुंचेगी। आपको बता दें कि पूरे देश में मुंबई में कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि है और इन ट्रेनों का परिचालन भी महाराष्ट्र के कई शहरों से हो रहा है। ऐसे में बिहार सरकार इन ट्रेनों को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने जिलों के अधिकारियों एवं एसपी के साथ मीटिंग करके हर प्रखंड में एक बार फिर से क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है ताकि इन राज्यों से आ रहे लोगों को वहां रखा जा सके। सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड में दिख रही है। आपको यह भी बता दें कि बिहार में एक तरफ जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात कही जा रही है, वहीं बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना की जांच की जाए। अगर उनमें से किन्हीं को कोरोना के मामलों की पुष्टि होती है तो ऐसे में परिवार के लोगों को भी कोरोना की जांच करने की बात कही गई है। ऐसे में हम कह सकते हैं बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है, इससे बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई। नीतीश कुमार ने अपनी बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड में रखा है, जिसके साथ ही प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी जो है 31 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार ने पहले ही कह दिया था कि ट्रेन, बस और हवाई जहाज से बिहार आने वाले लोगों की कोरोना की जांच की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं है वो 1 सप्ताह तक के लिए होम क्वारंटीन में रहें। इसके साथ ही जिन्हें कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं या फिर पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजे जाने की बात कही गई है। ऐसे में अब बिहार सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से एक्शन के मोड में आ गई है। हालांकि बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लिया है, क्योंकि पिछले साल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने न केवल कई तरह की बंदिशें लगाई थी। बिहार समेत कोरोना से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।